दोस्तों मालदीव से बुरी बुरी खबरें आ रही हैं, लेकिन अब समय आ गया है मालदीव को बुरी खबर देने का। दोस्तों भारत से, जी हाँ भारत से, प्रतिदिन 1,500 यात्री मालदीव जाते हैं। किस लिए जाते हैं? कोई तीर्थ यात्रा करने, इलाज करवाने नहीं जाता है मालदीव में, सब गुलछर्रे उड़ाने, अय्याशी करने के लिए जाते हैं मालदीव में। आप सोशल मीडिया में देख लीजिए कितना प्रचार प्रसार चल रहा है मालदीव टूरिज्म का। हीरो हीरोइन तो मालदीव में ऐसे जाते हैं जैसे सांप अपने बिल में घुसता है। पॉइंट दोस्तों यह है कि मालदीव की जो इकोनॉमी है वो सिर्फ टूरिज्म से लटकी हुई है। अगर भारत पर्यटन को रोक दे तो ये जो 77 भारतीय सैनिक मालदीव को बुरे लग रहे हैं, उनकी जगह ये मालदीव 7,000 भारतीय सैनिकों को न्योता देगा, न्योता, और वो एक दिन में आएगा। बस भारत को सिर्फ इतना सा करना है कि जो मालदीव को जाने वाले टूरिज्म पैकेज देने वाली संस्थाएं हैं, कंपनियां हैं, उनसे औपचारिक अथवा अनौपचारिक ढंग से कहना होगा कि ये टूर पैकेज खत्म करो आप। अब दोस्तों आप में से कुछ लोग हम पर ही चिल्लाएंगे कि तुम क्या फालतू की उलझुल बातें करते रहते हो, ऐसे थोड़ी कुछ होता है। तो भैया जी आपसे हमारा आग्रह है, थोड़ा सा आप गूगल सर्च कीजिए, साल 2017 की बात है, नॉर्थ कोरिया से निपटने के लिए अपने यहाँ अमेरिकी थर्ड मिसाइल डिप्लॉय कर रहा था, नॉर्थ कोरिया के खिलाफ एक्शन ले रहा था साउथ कोरिया, लेकिन ये चीन को नागवार गुजरा और चीन ने साउथ कोरिया को जाने वाले टूर पैकेजेस पर बैन लगा दिया। परिणाम स्वरूप साउथ कोरिया ने थर्ड मिसाइल को डिप्लॉय करने का निर्णय वापस ले लिया। तब 2017 था, आज 2023 है, आज तक साउथ कोरिया में अमेरिकन थर्ड मिसाइल डिप्लॉय नहीं हुई है जनाब। जिस तरह आज आप हमसे पूछ रहे हैं कि अगर भारत ने टूरिज्म रोका तो चाइनीज पाकिस्तानी पर्यटक मालदीव में पहुंच जाएंगे, मालदीव नहीं डूबेगा, इस तरह के तर्क चीन को भी दिए जा सकते थे कि अगर चाइनीज टूरिस्ट साउथ कोरिया नहीं गए तो जापान के अमेरिकी चले जाएंगे वहां पे। इन सब तर्कों को दरकिनार करते हुए चीन ने अपने राष्ट्रीय हितों को साधा, साउथ कोरिया के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया। साउथ कोरिया 2 मिनट में लाइन पर आ गया। दोस्तों ये मालदीव है, उसके पास में भारत है, भारत इतनी बड़ी आबादी का देश है, हम बड़ी संख्या में टूरिस्ट भेज रहे हैं। अरे भैया जी टूर पैकेजेस पर बैन लगा के तो देखिए, और बैन लगाना बाद की बात है, अरे जनाब कह के तो देखिए, इतना ही काफी होगा भाई साहब। ये मालदीव कर्जे के बोझ तले दबा हुआ है, अगर इनकी आय के मुख्य स्रोत पर आंच आएगी तो ये 2 मिनट में मिमियाने लगेंगे। और रही बात भारत को प्यार मोहब्बत से काम चलाना है तो चलाते रहो, जूते खाते रहो मालदीव जैसे दो कौड़ी के छुटभैये देश से। अगर भाई साहब मैप को जूम ना करो तो ये मालदीव जैसा देश दिखेगा नहीं। हम तो ये कहते हैं कि अगर पूरे भारतीय मिलकर कुल लाख थूक दें तो महासागर में, तो मालदीव में कल सुनामी आ जाएगी। देख लीजिए दोस्तों मोदी जी इरेडा का आईपीओ लेके आए, शेयर मार्केट में शेयर लिस्ट नहीं हुआ है लेकिन 30-40% मुनाफे की संभावना दिख रही है सिर्फ लिस्टिंग के दिन। मोदी जी की मेहनत से मुनाफा बनता है, इसका उदाहरण है इरेडा। इसलिए मोदी जी की मेहनत से अपने हक का मुनाफा कमा लीजिए, लेकिन ध्यान रखिएगा अगले 39 दिनों के बाद 1 जनवरी 2024 से हमारे तीनों आत्मनिर्भर इन्वेस्टर फ्यूचर्स एवं ऑप्शंस कोर्स की फीस डबल होने जा रही है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, उस पर क्लिक करके अपना पसंदीदा आत्मनिर्भर इन्वेस्टर फ्यूचर्स एवं ऑप्शंस कोर्स अभी के अभी ज्वाइन कर लीजिएगा।